evaluate double integral of del cross f bar dot dl bar, where f bar is what? X cube minus y cube I minus xyz j plus y cube k. S is the surface, x square plus 4y square plus z square minus 2x equal to 4. Above the plane, x equal to 0. Above the plane, x equal to 0. So, kuch cheeze main bata deta hu. Number 1, ye jo hai, ye sphere ka equation nahi hai. स्फीयर का इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि स्फीयर के इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहता है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहता है, z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहता है? 1 रहता है. यहाँ पे वैसा सिचुएशन है क्या? नहीं है. यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है. ठीक है, तो ये जो कर्व है ये स्फीयर नहीं है, ये है एलिप्सॉइड. बोलो एलिप्सॉइड. बोलो एलिप्सॉइड. एलिप्सॉइड. एलिप्सॉइड मतलब क्या? ध्यान से सुनो. आपने ऐसा कोई शेप देखा है क्या? ऐसे ऐसे ऐसे. हाँ, शिव शंकरांचा पिंड बगीचे में शिवलिंग देखा आपने, या फिर वो तरबूज देखा है जो ऐसे शेप का रहता है, उसको अगर मैं बीच से काट दू, ठीक है, वो भी एग्जैक्टली इलिप्सॉइड नहीं बन सकता, क्योंकि इलिप्सॉइड को काटने के बाद इलिप्स निकलना चाहिए. इलिप्सॉइड को काटने के बाद क्या निकलना चाहिए? इलिप्स. तो इलिप्सॉइड कुछ ऐसे शेप का आपको दिखेगा, ऐसे 3D में. किस किस कुछ समझ गए? ये इलिप्सॉइड. ओके, तो ध्यान से सुनो, ये समझ गया आपको, ये स्फीयर नहीं, ये क्या है? इलिप्सॉइड. कैसे पहचाना आपने? x स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है, y स्क्वायर का 4 है, y स्क्वायर का क्वेश्चन भी 1 होता, z स्क्वायर का भी 1 है, तो मैं उसको स्फीयर बोलता, लेकिन वैसी केस नहीं है, तो ये कौन है? ये इलिप्सॉइड. आगे चल के, अबाउट द प्लेन x इक्वल टू 0, तो प्लेन पहचानने आना चाहिए आपको. ध्यान से सुनो, प्लेन कौन से होते हैं? मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. ओके, कोई अगर मुझे बोले प्लेन x इक्वल टू 0, तो आप बोल देना उसको प्लेन yz की डिस्कशन चल रही है. x इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन? प्लेन yz. y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन? xz. z इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन? xy प्लेन. xy प्लेन पे z का कोऑर्डिनेट होता ही नहीं, इसलिए उस प्लेन का नाम क्या है? z इक्वल टू 0. फिर से बोलो, x इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन? बोलो yz प्लेन. x इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन? yz प्लेन. y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन? xz प्लेन. z इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन? xy. सबको याद हो गया? ओके, उसके बाद में अब हम सॉल्व करना चालू कर देते हैं इंटीग्रेशन. सबको क्वेश्चन समझ गया अभी? ओके, स्टेप 1 क्या है? मुझे इवेलुएट करना है डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस डेल क्रॉस एफ बार डॉट डीएस बार. ओके, ये जो इंटीग्रल है बाय स्टोक्स थ्योरम, इट इज इक्वल टू व्हाट? बाय स्टोक्स थ्योरम इट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ बार डॉट डी आर बार. ओके, तो एफ बार मेरा है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? एफ बार एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आई एक्स वाई जेड जे वाई क्यूब के डॉट क्या? डी आर बार यानी डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये इंटीग्रल रह गया लाइन इंटीग्रल ऑफ. ओके, ये भी लाइन इंटीग्रल रह गया. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू डी एक्स एक्स वाई जेड इंटू डी वाई प्लस वाई क्यूब इंटू डी जेड. ओके,
ये नीचे क्या लिखते हैं, इंटीग्रल के नीचे सी लिखते हैं, सी मतलब अलोंग द कर्व। और उसके बाद में ध्यान से सुन लो, ये एक इलिप्सॉइड है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, फोर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू फोर इज इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड ठीक है। क्यू एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर नॉट इक्वल टू वन, ऐसे पहचाना ठीक है। उसके बाद में ये जो इलिप्सॉइड है उसको किसने काटा है, प्लेन एक्स इक्वल टू जीरो ने, प्लेन एक्स इक्वल टू जीरो ने उसको काटा है, यानी किस प्लेन ने इसको काटा है, किस प्लेन ने काटा है, वाई जेड प्लेन, वाई जेड ने इसे काटा, मतलब ऊपर कौन सा एक्सिस होगा, एक्स प्लेन वाई जेड यानी कौन सा प्लेन, प्लेन वाई जेड यानी एक्स इक्वल टू जीरो वाला प्लेन। आपको समझ में आ रहा है, मैं ये लूप बना देता हूं। अब इलिप्सॉइड को काटने के बाद क्या बनेगा वो हम चेक कर लेते हैं। इलिप्सॉइड को अभी काट दिया है तो उसको काटने के बाद क्या बनेगा वो हम कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो। पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन ऑफ, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब इस प्लेन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो अगर मैं इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड में पुट कर दू तो जीरो प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स की जगह पे क्या करो जीरो इक्वल टू क्या फोर। नाउ ड्रॉप डिवाइड बाय फोर, व्हाट डू आई गेट, वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फोर, इधर फोर डिवाइड बाय फोर क्या रहेगा वन, ये वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू वन, ये किसका इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इट इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स सही है ना, ये एक्चुअली ऐसा है वाई स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है, कभी सुना है आपने इलिप्स का इक्वेशन ऐसा, यस इक्वल टू वन। अभी अगर मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ठीक है ऑन कर्व सी, मैं इसको मार्क कर देता हूं ऑन कर्व सी, ये वो कर्व है, कर्व सी ये वो कर्व है, वहां पे एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है जीरो है, एक्स का वैल्यू अगर जीरो है तो डीएक्स क्या रहेगा जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो डीएक्स इक्वल टू जीरो मैं इंटीग्रल में पुट कर देता हूं तो मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पुट इन स्टार, पुट ए स्टार, तो स्टार इक्वेशन क्या हो जाएगा बोल दो, एक्स का वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो माइनस वाई क्यूब, अरे डीएक्स भी जीरो है ना, तो डीएक्स जीरो है तो जीरो इनको कुछ भी कर लो पहला टर्म जीरो हो जाएगा। तो उसके बाद में इधर एक्स वाई जेड है ना, एक्स का वैल्यू जीरो है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, क्या बचा वाई क्यूब पी जेड, बस वाई क्यूब पी जेड बचा, यानी मुझे आगे चल के सिर्फ क्या सॉल्व करना है इंटीग्रल वाई क्यूब पी जेड सॉल्व करना, उसमें भी ये जो कर्व है ये इंटीग्रल मुझे इस सरफेस पे सॉल्व करना है इस कर्व पे, तो उस कर्व पे इलिप्स है तो इलिप्स के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने लग किए ना, तो वो मैं अप्लाई कर दूंगा यहां पे ठीक है। स्टेप नंबर टू, स्टेप टू, स्टेप टू टू सॉल्व सिंगल इंटीग्रेशन ऑन एलिप्स वी यूज पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख के देता हूं आप मैच करना, एक्स स्क्वायर सॉरी इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड बोलना चाहिए ना, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज प्लस बोलो जेड स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है वन। तो स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन कुछ इस तरह से है, पुट वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा
एंड जेड इक्वल टू बी साइन थीटा, पुट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल सॉरी पुट वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड जेड इक्वल टू, फिर से बोलो पुट वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड जेड इक्वल टू बी साइन थीटा। अब यहां पे देखो मेरा ए कौन है, ए कौन है, ए का वैल्यू क्या है चेक करो, वन है ना, और बी का वैल्यू क्या है टू है, अरे फोर नहीं है, टू का स्क्वायर कंपेयर करो ना, तो मैंने क्या लिखना चाहिए वन कॉस थीटा और यहां पे क्या टू साइन थीटा, वाई का तो काम हो गया, मुझे और क्या लगने वाला है डी जेड, तो मैं इसे लिख दू क्या, इट इंप्लाइज दैट डी जेड क्या रहेगा, देखो डी जेड टू कॉन्स्टेंट साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा, सही है ओके। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये जो सब्स्टिट्यूशन है मैं इसको क्या पुट कर दूंगा, पुट ए डबल स्टार इक्वेशन, डबल स्टार इक्वेशन, ये डबल स्टार इक्वेशन, ठीक है, तो ये डबल स्टार इक्वेशन क्या हो जाएगा बोल दो, और एक चीज रह गया मेरा, और एक चीज रह गया लिमिट्स, लिमिट्स लिमिट्स थीटा के लिमिट्स क्या रहेंगे, ये जीरो जीरो से लेके क्या था टू पाई, थीटा इज इक्वल टू जीरो टू टू पाई, सही है ओके। तो इंटीग्रल के लिमिट्स जीरो टू टू पाई, वाई क्यूब डी जेड है, वाई की जगह पे क्या लिखू, वाई की जगह पे कॉस थीटा का क्यूब और डी जेड की जगह पे टू कॉस थीटा डी थीटा, बराबर है ना, टू कॉस थीटा डी थीटा। अब ध्यान से देखना टू कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर ले ले जीरो टू टू पाई, कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा आई गेट कॉस रेस टू फोर थीटा डी थीटा, सही है ओके। इंटीग्रेशन के लिमिट जीरो टू टू पाई है और कॉस का टर्म है, तो मैंने आपको फॉर्मूले दिखवा के दिए रिडक्शन फॉर्मूले, कॉस के लिए इवन पावर तो आप इसको जीरो टू टू पाई अगर है, ध्यान से सुनो जीरो से लेके टू पाई तक है, जीरो ये क्या रहता है पाई बाई टू, ये पाई थ्री पाई बाई टू और ये टू पाई, तो पूरा निकालने के बजाय मैं जीरो टू पाई बाई टू लेके उसको फोर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा तो इंटू फोर इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू कॉस रेस टू फोर थीटा डी थीटा, और इसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रिडक्शन फॉर्मूला, यस क्या है वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देता हूं, बोलो टू इंटू फोर, बोलो फोर थ्री टू वन फाइव, कुछ याद आया हमने प्रैक्टिस किया ना इसका ओके। उसके बाद में क्या हो गया, हाँ फोर फोर कैंसर टू टू कैंसर, तो क्या आंसर आएगा थ्री पाई बाई टू इज द फाइनल आंसर। मैं फिर से एक बार पूरा रिमाइंड कर लेता हूं, ध्यान से सुनो आसान सब है, इवेलुएट डबल इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ आर डॉट डी एस बार वेयर एफ आर इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आई माइनस एक्स वाई जेड जे प्लस वाई क्यूब के एंड एस इज द सर्फेस एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू फोर अबाउट द प्लेन एक्स इक्वल टू जीरो, प्लेन एक्स इक्वल टू जीरो मतलब कौन सा एक्सिस होता है वाई जेड एक्सिस, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है क्या, नहीं, कैसे पहचाना एक्स स्क्वायर का पोजीशन वन है वाई स्क्वायर का पोजीशन क्या है, इधर ही पहचान लिया कि ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर नहीं, ये क्या है एक इलिप्स, समझ में आ गया। उसके बाद में डबल इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ आर डॉट डी एस बार इज व्हाट, सिंगल इंटीग्रल ऑफ एफ आर डॉट डी एस बार, ये फॉर्मूला आपने कल पढ़ा था स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम है। उसके बाद में सिंगल इंटीग्रल ऑफ एफ आर का वैल्यू उठा के पेश कर दिया, डी आर बार क्या होता है वेक्टर डिफरेंशिएशन से पता है आपको डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई जेड इंटू डी वाई और वाई क्यूब इंटू डी जेड। अब ये सिंगल इंटीग्रल मुझे सॉल्व करना है तो पहले का वो ट्रेस कर लेता हूँ, इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड अभी अभी आपने फिर लिया कि कैसे होता है, ठीक है एक पपई है पपई को मैंने काट दिया और इलिप्सॉइड की तरह, सही है, तो उसको काटने के बाद क्या बेस
में जो कर्व है वो क्या है वो आप कैसे चेक करते हैं, इलिप्सॉइड के इक्वेशन में जिस प्लेन ने उसको काटा है उस प्लेन का इक्वेशन डाल दो। प्लेन का इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो इलिप्सॉइड के इसमें डाल दो, x के जगह पे जीरो, x के जगह पे जीरो, फोर वाई स्क्वायर तो जेड स्क्वायर इक्वल टू फोर। नाउ थ्रू डिवाइड बाय फोर कर दो, इधर फोर से डिवाइड किया तो क्या आएगा वन, इधर फोर से डिवाइड किया तो फोर ही रहेगा, फोर डिवाइड बाय फोर किया तो वन आ जाएगा। और दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। उसके आगे इंटीग्रेशन, अब मुझे ये स्टार इक्वेशन वाला सॉल्व करना है, लेकिन ये इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व है, ये बेस कर्व आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल वाला एलिप्स वाला, तो वहां पे x का वैल्यू क्या डालना है जीरो, x अगर जीरो है वहां पे कर्व पे तो dx क्या रहेगा कर्व पे जीरो, x का डेरिवेटिव dx, जीरो का डेरिवेटिव जीरो, पुट इन स्टार, तो ये टर्म dx जीरो होने के कारण ये जीरो हो गया, x जीरो होने के कारण ये जीरो हो गया, कौन बचा वाई क्यूब dz बचा। ठीक है, अब आगे इस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते y क्यूब का इंटीग्रेशन y रेस टू 4 अपॉन 4, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है dz, तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टू सॉल्व एलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन, एलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन हम लोगों को पता है व्हाट इट इज, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर तो z स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा अगर एलिप्स है तो y की जगह पे क्या चाहिए a cos थीटा, z की जगह पे क्या चाहिए b sin थीटा, एक a कौन है, a कौन है कंपेयर करो 1, b कौन है कंपेयर करो 2, सही है 1 cos थीटा 2 sin थीटा ओके, लेकिन मुझे यहां पे dz का भी काम लग रहा है, तो z का डेरिवेटिव dz, 2 sin थीटा का डेरिवेटिव 2 cos थीटा, मैं रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं, डबल स्टार इक्वेशन में ये डबल स्टार इक्वेशन, सिंगल स्टार नहीं ये डबल स्टार इक्वेशन, y की जगह पे क्या पुट करो बोलो, y की जगह पे 1 into cos थीटा यानी cos थीटा का क्यूब, dz की जगह पे 2 cos थीटा d थीटा, cos क्यूब थीटा into cos थीटा आई गेट cos रेस टू 4 थीटा d थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन के लिए 0 टू 2 पाई, ये 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, अब लिमिट 0 टू 2 पाई है और वो भी cos के लिए, और cos का पावर क्या है t1 है, तो हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया यहां पे आपको इमेजिन हो रहा है, और लिमिट 0 टू पाई बाय 2 cos रे टू 4 थीटा। अब ये रिडक्शन फार्मूला हो गया, रिडक्शन फार्मूला जो आपको पसंद है, ठीक है, तो 2 into 4 तो ऐसे ही रहा, cos रे टू 4 था ना तो 4 से शुरुआत करो 4 3 2 1, ये इवन था इसलिए पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, और रहता तो मल्टीप्लाई नहीं करते पाई बाय 2 से, तो इसको सॉल्व करो 3 पाई बाय 2 इज द फाइनल आंसर। चलो जल्दी से लिखो, ये सब आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कैसे करें। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ आर डॉट एन कैप पी एस फॉर द सरफेस ऑफ अ पैराबोलॉइड जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर and z equal to 0, f r is given as yi plus zj plus xk, okay, यहाँ पे ये कर्व जो है ये क्या है, ये पैराबोलॉइड है, क्वेश्चन ने मुझे बता दिया कि ये क्या है, ये पैराबोलॉइड है, तो हम यहाँ पे दिमाग नहीं लगाते हैं कि ये स्फीयर है कि क्या है, क्वेश्चन ने बताया ना पैराबोलॉइड है, आपको क्वेश्चन पे विश्वास है, यस, z इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, समझ आ रहा है सबको, एफ आर दिया है और मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है, लेकिन ये जो इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ आर डॉट डी एस बार, इसका आंसर जो है वो स्टैंडर्ड है, वो क्या है, इट इज डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एफ आर डॉट डी एस बार, इट इज वॉट, इट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ fr dot tr bar, या सिंगल इंटीग्रल ऑफ fr dot tr bar by which theorem, तो yes, तो ये क्या हो जाएगा आगे चल के, सिंगल इंटीग्रल ऑफ fr dot tr bar, fr कौन है बोलो, yi plus zj plus xk dot tr bar बोल दो dxi dyj plus dzk, अब सॉल्व करते हैं, y into dx, y dx z into dy, z dy plus x into dz, x dz, yes, उसके आगे क्या है बोलो, this is what, this is the line integral over curve,
अभी यहां पे यस डाउट है ओके। तो ये कैसा है, इट इज अ पैराबोलॉइड, इट इज अ पैराबोलॉइड कट बाय विच प्लेन, कौन से प्लेन से काटा है, हा एक्स वाई प्लेन। तो यहां पे कौन सा एक्सिस ड्रॉ कर दो, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। काटने के कारण कुछ लूप फॉर्म होगा, यस। वो कर्व जो है वो क्या है, वो अब आप फाइंड करेंगे। मैं इधर शो कर देता हूं, ये क्या है, z इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कौन है, पैरा बोलॉइड, ओके ओके। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्लेन कौन है, z इक्वल टू जीरो, x एक्सिस y एक्सिस हो गया। ये ऊपर का एक्सिस कौन सा एक्सिस होगा, वर्टिकली अपवर्ड, बोलो, z एक्सिस होगा, सही है ना, ओके okay। अब आगे चलते हैं, मुझे बताओ ये लूप कौन है, ये कैसे फाइंड करेंगे, हाँ ये लूप कहां पे है, z इक्वल टू जीरो पे, तो पुट कर दो z इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन ऑफ पैरा बोलोइड, पैरा बोलोइड, बोलो z का वैल्यू जीरो जब मैं पुट करता हूं, ये क्या हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वो साइड भेज दो, वाई स्क्वायर वो साइड भेज दो, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। ये किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये सर्कल का इक्वेशन है, इट्स अ सर्कल, किस किस को पता है सर्कल है, हाथ ऊपर करो तो स्ट्रेट हाथ ऊपर करो, आपको नहीं पता था सर्कल है, सर्कल करके एक चैप्टर भी था, इट्स सर्कल, इट्स अ सर्कल, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल विथ रेडियस इज इक्वल टू वन, इट इज सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू वन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस। तो आगे चल के क्या लिखते हैं, ऑन कर्व सी क्या दिया गया है, जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, अरे मैं कभी कभी z ऐसे लिख रहा हूं, कभी कभी z ऐसे लिख रहा हूं, आप कंफ्यूजन में तो नहीं, आप चाहते हैं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, z इक्वल टू जीरो, तो व्हाट डज इट इंप्लाई, इन z इक्वल टू जीरो, एक आप पुट कर दो इक्वेशन स्टार, पुट इन स्टार इक्वेशन, तो स्टार इक्वेशन क्या हो जाएगा, y dx प्लस z की जगह पे जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, इधर की जगह पे जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, डबल स्टार। उसके बाद में नेक्स्ट टू सॉल्व सिंगल इंटीग्रेशन ऑन, टू सॉल्व सिंगल इंटीग्रेशन ऑन सर्कल, टू सॉल्व सिंगल इंटीग्रेशन ऑन सर्कल, एलिप्स की जगह पे मैं क्या लिख दू, टू सॉल्व सिंगल इंटीग्रेशन ऑन सर्कल वी यूज पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो सर्कल के लिए ध्यान से सुनो, सर्कल का इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन स्टैंडर्ड सर्कल के एक्स इक्वल टू क्या पुट करना चाहिए, जैसा है ना सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी वन है यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू बोल दो तो ए कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू बोल दो ए साइन थीटा, इधर बी साइन थीटा मत लिखो, सर्कल को एक ही रेडियस रहता है, दो दो रेडियस नहीं रहते हैं, दो दो रेडियस किसको रहता है, एलिप्स, सही है। तो एक ही जगह पे कौन चाहिए, एक ही जगह पे यहाँ पे कौन चाहिए, वन चाहिए ना, तो एक्स इक्वल टू वन कॉस थीटा और वाई इक्वल टू वन साइन थीटा। अब यहाँ पे मुझे वाई का टर्म लिखना है और एक डीएक्स का टर्म लिखना है, तो डीएक्स निकाल लो, डीएक्स यहां से निकलेगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, डीएक्स, कॉस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, डीवाई नेसेसरी है क्या निकालना, क्योंकि इसमें नहीं लग रहा है, किस किस को समझ आया था, आप ऊपर करो तो जरा देखना, जो लेकिन नहीं समझा आपको क्लियर समझ गया इधर आपको, तो अब आप क्या करें, इसको किस में पुट कर दो, पुट इन डबल स्टार इक्वेशन, डबल स्टार इक्वेशन क्या हो जाएगा, लिमिट्स रहेगा थीटा इक्वल टू जीरो टू
टू पाई, तो थीटा जीरो टू टू पाई, वाई की जगह पे क्या पुट कर दो, वाई की जगह पे साइन थीटा, और डीएक्स की जगह पे क्या पुट कर दो, माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये समझ में आ गया आपको? अब बाद में आप क्या कर सकते हैं, जीरो टू टू पाई है और साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर मतलब ई वन है, तो क्या करें, फोर से मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट चेंज कर लो, लिमिट क्या कर हो जाएंगे आप बोलो, जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ आ रहा है सबको? ओके, आगे चल के आप क्या करते हैं बोलो, माइनस फोर एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टू वन पाई बाई टू, बराबर है, टू टू जो फोर और ऊपर क्या है फोर, तो आंसर आ गया, आंसर क्या आया बोलो, माइनस फाइव, माइनस फाइव इज द आंसर। किस चीज से समझ आ गया कि और एक तरीके से बताओ इंटीग्रेशन, यही पसंद है आपको, यही अच्छा है, आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे इसमें, आप भी नहीं ना, किसी को अगर चाहिए तो मैं और एक तरीके से बता सकता हूँ। इंटीग्रेशन किसका है, माइनस माइनस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई का साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको कैसे करेंगे, जीरो टू टू पाई साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, ऐसे लिखा जाता है, यस। उसके बाद में अब इंटीग्रेशन हो जाएगा वन, ये टू कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लिया, वन माइनस कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, माइनस वन बाई टू आज वन डी थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ थीटा, कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन इट इज साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, लिमिट्स जीरो टू टू पाई है। अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं, यहां पे जब लिमिट अप्लाई कर रहा था तो थीटा की जगह पे क्या आएगा टू पाई, माइनस यहां पे जब लिमिट अप्लाई कर रहा था तो साइन टू इंटू टू पाई यानी क्या साइन फोर पाई अपॉन टू, बराबर है, माइनस यहां पे जब लिमिट अप्लाई कर रहा था तो जीरो माइनस साइन जीरो अपॉन टू, माइनस वन बाई टू एज इट इज, टू पाई एज इट इज, साइन ऑफ फोर पाई क्या रहता है जीरो रहता है, जीरो एज इट इज साइन जीरो क्या रहता है जीरो रहता है, तो क्या बचा माइनस वन बाई टू इंटू टू पाई, टू टू कैंसल हो जाएगा, माइनस पाई इज द आंसर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। ये इलेवेंथ स्टैंडर्ड का मेथड था, ये इंजीनियरिंग का मेथड।